दोस्तों, आप लोग का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। एंड आप लोग को मैं थैंक्स कहना चाहूँगा क्योंकि आप लोग मेरे वीडियोस को देखते हो और लाइक भी करते हो। और अगर आप लोग मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी हेल्पफुल और नॉलेजफुल वीडियो आपसे ना छूटे। तो चलिए, आज की डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे फर्टिलाइजर कैलकुलेशन के ऊपर। तो सपोज मान लीजिए राइस का एनपीके डोज, है 120, 60 एंड 40 केजी पर हेक्टेयर। अब इसको देना है, इसका सोर्स है यूरिया, एसएसपी और एमओपी, ठीक है। अब ये तीनों जो है स्टेट फर्टिलाइजर है, तीनों स्टेट फर्टिलाइजर है, इसीलिए इसका जो कैलकुलेशन बनेगा एकदम सिंपल बनेगा। यूरिया से आपको नाइट्रोजन देना है, एसएसपी से आपको फास्फोरस देना है और एमओपी से आपको पोटास देना है। तो चलिए पहले यूरिया को कैलकुलेट कर लेते हैं कि 120 केजी नाइट्रोजन देने के लिए हमको कितना केजी यूरिया चाहिए। तो पहले ये पता होना जरूरी है कि यूरिया में नाइट्रोजन परसेंट कितनी है। तो यूरिया में नाइट्रोजन परसेंट होती है 46%, 46% नाइट्रोजन होती है। अब देखिए, अब हमको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 1 केजी, 1 केजी नाइट्रोजन देने के लिए कितना केजी यूरिया चाहिए, 1 केजी नाइट्रोजन के लिए कितना केजी यूरिया चाहिए। तो इसको अगर मैं 100 से 46 को डिवाइड कर दूं तो ये 1 केजी नाइट्रोजन देने के लिए कितना केजी यूरिया चाहिए वो निकल जाएगा। कैसे, देखिए इसको हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 2.17, ठीक है। इसका मतलब है कि 1 केजी नाइट्रोजन देने के लिए आपको 2.17 केजी यूरिया की जरूरत होगी, 2.17 केजी यूरिया की जरूरत होगी, ठीक है, 1 केजी नाइट्रोजन के लिए। अब हमको चाहिए कितना, 120 केजी नाइट्रोजन देना है। तो 120 इंटू 2.17 कर दीजिए तो ये आ जाएगा 260 केजी यूरिया। तो इतना केजी आपको यूरिया चाहिए 120 केजी नाइट्रोजन को फुलफिल करने के लिए। ये यूरिया का कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया, यूरिया की क्वांटिटी निकल गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से एसएसपी का भी कैलकुलेट हम करेंगे। तो एसएसपी में फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है, 16%। देखिए इसको जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो एसएसपी में 16% पी रहता है, फास्फोरस रहता है। अब इसको भी ठीक वैसे ही करेंगे जैसे कि हम लोग यूरिया को किए हैं। तो इसको भी पहले 1 केजी फास्फोरस देने के लिए कितना केजी एसएसपी की जरूरत होगी उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 100 डिवाइडेड 16 करेंगे तो निकल जाएगा 6.25। एक केजी फास्फोरस फुलफिल करने के लिए आपको 6.25 केजी एसएसपी की जरूरत होगी। हम आपको देना कितना है, 60 केजी। तो 60 × 6.25 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 375 केजी SSP। तो 60 केजी फास्फोरस को फुलफिल करने के लिए आपको कितना देना पड़ेगा, 375 केजी SSP, तब जाके 60 केजी फास्फोरस मिलेगा। तब ये भी कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया SSP। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन है MOP का। अब एमओपी में
पोटास कितना परसेंट रहता है? 60%, 60% पोटास रहता है। अब इसको भी ठीक वैसे ही निकलना पड़ेगा, ठीक है, कि 1 kg, 1 kg पोटास देने के लिए कितना kg एमओपी की जरूरत होगी। तो 100 डिवाइडेड 60 करना है। क्यों करना है? क्योंकि इसमें 60% ही एमओपी पोटास है, ठीक है, एमओपी में 60% ही पोटास है, इसलिए हमको 100 डिवाइडेड 60 करना है, तब जाके आपको निकलेगा 1.7 केजी एमओपी, ठीक है। तो 1.7 केजी एमओपी का मतलब है कि 1 केजी पोटास को फुलफिल करने के लिए हमको 1.7 केजी एमओपी की जरूरत होगी। इतना क्लियर हो गया? अब देखो इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमको देना कितना है? 40 केजी। तो 40 × 1.7 ये आ जाएगा 67 केजी समथिंग एमओपी। तो ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब 40 केजी पोटास को फुलफिल करने के लिए हमको कितने एमओपी की जरूरत होगी? 67 केजी एमओपी। चलिए अब यूरिया एसएसपी और एमओपी तो समझ में आ गया। अब मैं अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस कर दूं कि एसएसपी के जगह डीएपी लिख दूं, अब हमको फास्फोरस डीएपी से देना है, तब कैलकुलेशन कैसे बनेगी? तो अब देखिए डीएपी जो है ये कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है, इसमें फास्फोरस के साथ साथ पी के साथ साथ इसमें एन भी रहता है, ठीक है। 46% डीएपी में फास्फोरस रहता है और 18% नाइट्रोजन भी रहता है। तो हमको पहले डीएपी का कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है। तो पहले हम डीएपी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डीएपी में 46% फास्फोरस रहता है और उसके साथ साथ 18% नाइट्रोजन भी रहता है। तो हमें पहले फास्फोरस का कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसको भी सेम वैसे ही करना है कि 1 kg फास्फोरस देने के लिए कितना केजी डीएपी की जरूरत है। तो इसको 100 डिवाइडेड 46 कर दीजिए क्योंकि डीएपी में भी 46% फास्फोरस रहता है। तो 100 डिवाइडेड 46 इनटू कितना देना है हमको? 60 kg। तो 60 kg, तो इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 130.2 समथिंग। तो 130 को ही मान के चलते हैं। 130 केजी डीएपी की जरूरत होगी 60 केजी फास्फोरस को फुलफिल करने के लिए। अब इतना क्लियर है। अब एक चीज ध्यान देना है कि 130 केजी डीएपी से हमको 60 केजी फास्फोरस मिल रहा है, ठीक है, लेकिन 130 केजी डीएपी के साथ साथ कितना केजी नाइट्रोजन जा रहा है इसको भी ध्यान रखना है क्योंकि 18% इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। तो अब इसको निकाल लेते हैं कि 130 केजी डीएपी के साथ कितना केजी नाइट्रोजन चला गया। तो हमको पता है कि 18% नाइट्रोजन डीएपी में रहता है। तो 1 केजी डीएपी देंगे तो कितना केजी नाइट्रोजन जाएगा? 0.18 केजी जाएगा क्योंकि इसमें 18% नाइट्रोजन है। तो 0.18 केजी ये 1 kg डीएपी देने से 0.18 केजी नाइट्रोजन जाएगा। अब हम दे रहे हैं 130 केजी, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 130 × 0.18। तो ये आ जाएगा 23.4। तो इसको 23 केजी ही मानते हैं। तो 130 केजी डीएपी के साथ साथ 23 केजी नाइट्रोजन भी चला गया। अब हमको टोटल नाइट्रोजन कितना देना है? 120 केजी। तो 120 केजी में से डीएपी के साथ ही 23 केजी चला गया। अब हमको इससे माइनस करना पड़ेगा। तो टोटल नाइट्रोजन 120 केजी देना है जबकि डीएपी के साथ
23 केजी चला गया, तो 23 केजी ऑलरेडी चला गया, इसको माइनस करेंगे तो ये 97 केजी जो बचा है उसको अब यूरिया से देना पड़ेगा। अब हमको कितना जरूरत है, 97 केजी नाइट्रोजन की, तो अब हम इसको यूरिया से देंगे। ठीक है, तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है, तो इसको भी सेम वैसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। 100 डिवाइडेड 46 इंटू कितना देना है आप, 97, तो ये आ जाएगा 210 समथिंग। ठीक है, केजी यूरिया की जरूरत होगी। अब एमओपी, तो एमओपी का भी सिंपल है, एमओपी में 60% पोटास रहता है, तो इसको भी 100 डिवाइडेड 60 कर दीजिए इनटू कितना देना है, 40 के जी, तो ये आ जाएगा 67 के जी एमओपी। तो इस टाइप से सॉल्व करना है। अगर कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर दिया है तो पहले कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर को सॉल्व करते हैं, फिर उसमें उसके साथ साथ जो दूसरा न्यूट्रिएंट जा रहा है फिर उसके साथ उसको माइनस करेंगे, फिर दूसरा न्यूट्रिएंट दूसरा फर्टिलाइजर को सॉल्व करेंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।